शर्म आनी चाहिए। छोटे छोटे देश आतंकवाद को समझकर उन्होंने अपनी जनता की, अपनी संस्कृति की, अपनी भूमि की रक्षा की। मैं उदाहरण दे रहा हूं, तुरंत ध्यान दीजिए, छोटा सा देश जापान, 8 लाख मुसलमान थे, आतंकवाद की बात करते थे, 6 लाख मुसलमान एक झटके में बाहर निकाल दिए। कोई मस्जिद नहीं है संभवतः, और कोई एम्बेसी नहीं किसी मुस्लिम देश की, कोई कानून वहां नहीं है मुस्लिम के लिए, कोई मुसलमान वहां कब्र बनाकर उनकी भूमि को बंजर नहीं कर सकता। क्यों, जीरा या नहीं? इसराइल की ओर देखो, उन्होंने कहा अगर एक इसराइल का व्यक्ति मरेगा तो 10 मुसलमानों को काट दिया जाएगा। बोलो लादेन वहां क्यों नहीं पहुंचता? जाए ना मुशर्रफ, सारे मुस्लिम साम्राज्य इकट्ठे होकर जाए ना संभाले इसराइल को। भारत के नेताओं को इसराइल से सीखना चाहिए, जापान से सीखना चाहिए। यह छोटा सा देश है हमारे बाजू में बर्मा, इसने 2.5 लाख मुसलमान, जैसे इन्होंने आतंकवाद का नारा लगाया, अल्लाह अकबर कहा, उसने 2.5 लाख उठा करके बांग्लादेश भेज दिए। बांग्लादेश वाला बड़ा दुष्ट निकला। वैसे कुरान के नियम के अनुसार अगर किसी देश से इतने लोग चले जाएं तो उस दूसरे देश को इस्लामिक राज्य वाले को अपनाना चाहिए। इसने नहीं अपनाया, इसने वापस भेजा, जो नहीं गए गोलियों से भून दिया। तो बहुत से मुसलमान मुसलमानों की गोलियों से मारे गए, जो वापस पहुंचे बर्मा वाले ने भी नहीं रखा, अपना कानून बिल्कुल पक्का कर लिया, वोट का अधिकार समाप्त कर दिया, सरकारी सुविधाओं को रोक दिया, वहां से मुसलमान भागकर मलेशिया आदि चले गए और आधे रास्ते में मर गए। बर्मा शांत, जापान शांत, कंबोडिया को देखिए, कंबोडिया ने सब पादरे कर दिए, सब मस्जिदें तोड़ दी, हज का अधिकार समाप्त, बांगे देने का अधिकार समाप्त, कोई अलग लिपि नहीं है, याद रखना बिल्कुल शांति। आइए आगे बढ़िए रूस की ओर। रूस को तोड़ने वाले यही थे, ये इस्लामिक गद्दार। आज रूस ने अपने यहां से हजारों मस्जिदों को बुलडोजर फेर के साफ कर दिया है, अनेकों को फांसी पर लटका दिया, गोलियों से भून दिया। कोई मुसलमान वह उर्दू भाषा के अंदर अपनी भाषा नहीं लिख सकता, अरबी में नहीं लिख सकता, लिखनी है तो रशियन लिपि रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और केवल 1-2 मस्जिद रूस ने छोड़ी है, किसके लिए? कि जो बाहर से मुस्लिम देश के लोग आते हैं उनको खुश किया जा सके। हां भाई, तुम्हारी भी चीज रखी हुई है, बिल्कुल शांति कर दी रूस ने। आगे बढ़िए, चीन की ओर चलता हूं मैं। चीन ने तो भी पिछले दिनों नियम बनाया, हजारों मस्जिदें तोड़ दी, लाखों मुसलमान काट दिए, क्योंकि वो भी वहां पे झंडा लहरा रहे थे चांद तारे का, इस्लामिक राज्य बनाएंगे। काट पीट के सब बराबर कर दिए, किसी नौजवान का हज जाना बंद कर दिया गया, 5 बार नमाज पढ़ना बंद कर दिया, हर मुसलमान को चीनी औरतों से शादी करनी पड़ेगी, चीनी भाषा सीखनी पड़ेगी, और चीनी लिपि में ही वो उर्दू को बोलते हैं। क्यों जी, ये भारत के नेता ऊपर से गिरे हैं, ये देश के गद्दार हैं। आप और हम इन्हें वोट देते हैं, हमारा धन इन्हें प्राप्त होता है, हमारे ऋषियों का देश इनके